सभी को नमस्कार, सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जिस टाइम भी हमारी आपकी मुलाकात हो रही हो, ठीक है। इसके पहले वीडियो में हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की, क्लास 11th मैथमेटिक्स में बात कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री की बात की थी, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में बात की जा रही थी, ठीक है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूरत नहीं देने की, वो आप जानते हैं, नाइन्थ वगैरह में आपने पढ़ा होगा, टेंथ वगैरह में पढ़ा होगा, आईसीएसई बोर्ड में तो टेंथ नाइन्थ में भी था, लेकिन सीबीएसई में टेंथ में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एंगल मेजरमेंट का तरीका। आप सब ये एंगल मेजरमेंट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो कंपास प्रोटेक्टर सब टीचर ने सिखाया है, वो इतने बड़े हम हो गए क्लास 11th में एंगल। जी हाँ, आप उतने बड़े हो गए, लेकिन थोड़ा सा एंगल भी थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। तो एंगल मेजरमेंट के तरीके क्या है? देखो, एंगल मेजरमेंट करने के तरीके होते हैं तीन। एक होता है आपका दैट डिग्री मेजरमेंट, एक रेडियन मेजरमेंट, एक ग्रेड मेजरमेंट। ग्रेड आपके यहाँ यूज नहीं होता, मैं उसको बता दूंगा वैसे ग्रेड क्या होता है, लेकिन वो यूज नहीं होता है, लेकिन फिलहाल मैं डिग्री मेजरमेंट से बात करता हूँ। तो सबसे पहले एंगल को बनाने का तरीका हम बताते हैं। अब आप कहेंगे तरीका तो हमको मालूम है, बहुत बड़ी चीज तो आप बता नहीं रहे, सुनिए ध्यान से। जब आप एंगल मेजर करते हो ना, तो एक लाइन खींचते थे आप, इसको कहते हैं इनिशियल लाइन। इसको क्या कहा जाता है? इनिशियल लाइन। और ये वर्टेक्स होता है, इसको कहते हैं इनिशियल लाइन। जानबूझ के इधर मैं लिख रहा हूं इनिशियल लाइन, ठीक है। अब आपने प्रोटेक्टर देखा होगा, कंपास नहीं, प्रोटेक्टर। कंपास प्रोटेक्टर में मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, तो मैंने याद किया है कंपास, उसमें ऐसे होता ना ऐसे, तो कंपास ऐसे याद कर लिया मैंने, क्योंकि तो हिंदी मीडियम में पढ़ा हूं, तो वही चांदा और ये, तो अभी तो याद हो गया इंग्लिश में भी। ये वर्टेक्स होता है, तो आपने देखा होगा कंपास प्रोटेक्टर में दो तरफ एंगल बने, इधर भी बना इधर भी बना, ठीक है। तो अब आप इनका एंगल कैसे बनाए, हम सब ध्यान रखिएगा। एंगल जब आप बनाओगे ना, तो इनिशियल लाइन से आप शुरू करोगे और एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है। अगर ये थीटा मान लेते हैं, प्लस में होता है, ठीक है। ये एंगल आपने मेजर करना, हमेशा ध्यान रखिए, एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाते हैं, ठीक है। और अगर ये इनिशियल लाइन है और आपने एंगल नीचे की तरफ बनाया, तो मेरी मर्जी, मैं प्रोटेक्टर को नीचे रखूं तो बनाओ भाई, वो भी सही है, लेकिन यहां पर एंगल निगेटिव आएगा। जब भी एंगल, ये इनिशियल लाइन है, ये इनिशियल लाइन है और ये वर्टेक्स कहलाता है, ये है का वर्टेक्स है, इधर से कहो या इधर से कहो, दोनों वर्टेक्स, ठीक है। तो ये एंगल मेजरमेंट का तरीका होता है, एंगल बनाने का तरीका होता है, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि एक मेजरमेंट का तरीका डिग्री मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट, ये लफड़ा क्या है? जरा डिग्री मेजरमेंट को मैं समझाने की कोशिश करने जा रहा हूं। देखो, पहला तरीका ये होता है आपका डिग्री मेजर, डिग्री मेजर। देखो, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत टफ तरीका नहीं है। आप ऐसा करिए, एक सर्कल खींच दीजिए ऐसे, ठीक है, और इसका ये सेंटर ले लीजिए और इस प्रकार से ये खींचा। देखो कैसे खींचा आपने, ये इनिशियल लाइन लिया और ये इनिशियल लाइन लिया, इनिशियल लाइन लिया और ये आपने पूरा ऐसे खींच के और ऐसे यहां तक लिया है। अब इसको 360 टुकड़े कर दीजिए, वन टुकड़ा, टू टुकड़ा, टुकड़ा थ्री टुकड़ा, फोर टुकड़ा, फाइव टुकड़ा, 360 टुकड़े कर दीजिए। मैं तो नहीं कर पाऊंगा, वो छोटे हो गए। तो एक टुकड़े को वन डिग्री कहते, जो एक टुकड़ा होगा ना वो वन डिग्री कहलाएगा। तो अगर आपसे कहा जाए वन डिग्री होता क्या है, तो आप कहेंगे कि अगर हम 360 डिग्री के, यानी पूरा जो सर्कुलर, पूरा सर्कल आपने खींचा है, उसके 360 टुकड़े कर दें, तो एक टुकड़ा वन डिग्री कहलाएगा। अच्छा, अगर हम इसमें जरा ध्यान से देखिएगा, हम दूसरी तरीके से इसको बता सकते हैं कि अगर हम इसको चार भागों में ब्रेक कर दें, तो भैया ये 90 डिग्री हो जाएगा, इसके 90 टुकड़े कर दो, तो एक टुकड़ा आपका कितना हो जाएगा, एक डिग्री कहलाएगा। तो डिग्री तो समझ में आ गया कि एक डिग्री होता क्या है, ठीक है। अच्छा, बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि उसमें डिग्री मिनट सेकंड वाला लफड़ा है। तो एक डिग्री को अगर हम कहें से एक डिग्री क्या होता है, तो आप कहेंगे एक डिग्री इज इक्वल टू वन अपॉन 360th पार्ट,
सिक्स्थ ईयर पार्ट ऑफ वन रेवोल्यूशन एक कंप्लीट रेवोल्यूशन का 160th बार जो होता है वो 1 डिग्री होता है, कह सकते हैं, ठीक है। अब जरा समझे दूसरी बात, अब आपने कहा भैया ये 1 डिग्री हो गया, इतना बड़ा 1 डिग्री होता है, अब इतना छोटा बनाएंगे तो दिखेगा भी तो नहीं। अब इस 1 डिग्री के 60 टुकड़े कर दीजिए, 60 टुकड़े, तो एक टुकड़े को कहते हैं, ये तो 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया, इसको कहते हैं 1 मिनट, 1 मिनट हो गया। यानी अगर 1 डिग्री के 60 टुकड़े कर दीजिए इसको 1 मिनट कहते हैं, यानी आप कह सकते हो कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। मिनट बोले वो घड़ी वाला मिनट नहीं है, एंगल वाला मिनट है, ठीक है। यानी अगर मैं कहूं कि 1 मिनट क्या होता है तो आप कहेंगे 1/60 डिग्री, 1 डिग्री का 1/60 यानी 60th पार्ट, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, ये जो 1 मिनट था ना, ये 1 मिनट था, 1 मिनट, मिनट में एक ऐसे डैश लगा, इसके फिर 60 पार्ट कर दीजिए, इसको कहते हैं 1 सेकेंड, इसको डबल डैश कर देते हैं, यानी आप कह सकते हैं 1 सेकेंड, यानी कि आपका जो 60 मिनट था ना, सॉरी 1 मिनट जो था ना वो 60 सेकेंड हो गया, यानी 1 सेकेंड जो आपका है, 1 सेकेंड जो आपका होगा वो 1/60 मिनट होता है। तो समझ आ गया एंगल मेजरमेंट करने का पहला तरीका, बहुत सिंपल सी बात है बता रहे हैं कि अगर आप पूरे एक रेवोल्यूशन को 360 टुकड़े कर दीजिए, 1 टुकड़ा इज नोन एज 1 डिग्री, 1 डिग्री के 60 टुकड़े कर दीजिए, 1 टुकड़ा इज नोन एज मिनट, 1 मिनट के 60 टुकड़े कर दीजिए, 1 टुकड़ा इज नोन एज सेकेंड, तो डिग्री मिनट सेकेंड की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद एक ग्रेट मेजरमेंट सिस्टम होता है, आपसे मतलब नहीं है, कोई क्वेश्चन तो आएगा नहीं आपके यहाँ, बस हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं ये वन ग्रेट होता क्या है। देखिए ये तो डिग्री मेजरमेंट है, एक ग्रेट मेजरमेंट होता है, जरा समझे ग्रेट मेजरमेंट क्या होता है। देखिए आपने जो डिग्री लिया ना, मैं 360 नहीं लेता हूं, 90 लेता हूं, आपने 90 के 90 टुकड़े किए और आपने कहा 1 डिग्री होता है, ये ग्रेट मेजरमेंट क्या होता है, GRADE। देखिए अगर आप इस 90 टुकड़े के 90 डिग्री जो है ना इसके 100 टुकड़े कर दीजिए तो एक टुकड़े को 1 ग्रेड कहते हैं, ठीक है, और वो जो एक ग्रेड है ना उसके फिर 100 टुकड़े कर दीजिए 1 मिनट कहते हैं, और 1 मिनट के फिर 100 टुकड़े कर दीजिए 1 सेकंड कहते हैं, तो बस इसके 100 टुकड़े कर रहे आप, ठीक है। अभी आप क्या कर रहे थे, इसके 90 टुकड़े कर रहे थे, एक डिग्री था, फिर डिग्री के 60 टुकड़े किए 1 मिनट था, फिर 1 मिनट के 60 टुकड़े किए तो 1 सेकेंड था, अभी ये नहीं करना है, अभी 100 टुकड़े कर देना, ठीक है, आपको इस जरूरत नहीं है, इसलिए इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात करने जा रहे हैं रेडियन मेजरमेंट, ये रेडियन मेजरमेंट थोड़ा सा टेक्निकल है, देखो रेडियन मेजरमेंट, रेडियन मेजर एंगल नापने का रेडियन मेजरमेंट तरीका क्या होता है, जरा राइटिंग गड़बड़ है तो ठीक है एडजस्ट कर लीजिएगा, मैथमेटिक्स में कोई इतना खास होता नहीं, होता तो है लेकिन फिर भी क्या कह जाए। देखो ये आपका एक यूनिट सर्किल बनती है, यूनिट सर्किल मतलब होता है 1 सेंटीमीटर का सर्किल या 1 मीटर का सर्किल, यू टेक 1 सेंटीमीटर रेडियस एंड ड्रा सर्किल, यूनिट सर्किल का मतलब होता है 1 इज द रेडियस, दैट मे बी 1 यूनिट, दैट मे बी 1 मीटर, दैट मे 1 सेंटीमीटर, दैट मे 1 इंच, 1 शुड बी देयर, ठीक है। और इसका आर्क ले लीजिए 1 यूनिट, 1 बोले तो यूनिट, यानी अगर आपने इसको 1 सेंटीमीटर का रेडियस लिया है यू टेक आर्क आल्सो 1 सेंटीमीटर और ये मिला दीजिए तो जितना ये एंगल बनाएगा दैट इज 1 रेडियन। तो अगर आपसे कहा जाए कि 1 रेडियन क्या होता है तो आप कहेंगे किसी सर्कल में यूनिट रेडियस के सर्कल में अगर यूनिट लेंथ का आर एंगल पर जो सॉरी सेंटर पे जो एंगल सप्रिंट करता है दैट इज 1 रेडियन, ठीक है। यानी कि अगर आपको यहां पर फॉर्मूला दिया जाए एंगल इज इक्वल टू, तो आपने छोटे क्लास में पढ़ा है आर्क अपॉन रेडियस, और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा इस फार्मूले से जो भी आपको वैल्यू मिलेगी
उसका यूनिट हमेशा हमेशा रेडियन ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका रेडियन मेजरमेंट है। अब रेजन रेडियन मेजरमेंट और एंगल मेजरमेंट का तरीका क्या होता है, सॉरी डिग्री मेजरमेंट का, तो देखिए इसको नोट कर लिया कि इसको रब करेंगे हम। देखिए जैसे मैं यहां पर इसको खींच दूं सीधे, ठीक है, तो इसको कहते हैं 180 डिग्री डिग्री में, और यहां कहते हैं पाई रेडियन, पाई रेडियन। तो यानी कि एक रिलेशन आ गया कि पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, या 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन। तो इसकी मदद से हम रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं, बदलने का तरीका है जिसको कि हम एडॉप्ट करके बदलेंगे, ठीक है। अब कभी कभी आता है कि वन रेडियन कितना डिग्री होता है, वन रेडियन कितना डिग्री होता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसको मैथमेटिकली हम निकालने जा रहे हैं, नोट करिए। अब देखिए अभी हमने कहा मतलब हमको क्या निकालना है कि वन रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री, आई डोंट नो, तो आई विल सी फ्रॉम द बुक दैट इज द डिफरेंस, निकालेंगे कैसे। देखिए हम जानते हैं कि पाई रेडियन, देखिए वैसे पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और एंगल के हिसाब से पाई रेडियन को 180 डिग्री कहते हैं। पाई रेडियन कितना होता है, अब तो आप कहेंगे 180 डिग्री, तो 1 रेडियन क्या होता है, तो आएगा 180 अपान पाई डिग्री। इतने से काम नहीं चलेगा, अब आपको पाई की वैल्यू रखे इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 180 अपान 22/7 करेंगे और ये डिग्री में आ जाएगा। अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा, देखिए इसको 2 से काटिए 11, 2 से काटिए 90, 963, 630 बटे 11 ये डिग्री आया। अब इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये बहुत टेक्निकल चीज नहीं है, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। 630 को 11 से डिवाइड कर दो, 11 पच्चीस 55 कितना आएगा, 13 में 5 किया 8 5 13, यहां बचेगा 5 8 8 0 11 77 3। अब देखो 57 डिग्री तो पूरा आ गया, यानी ये 57 डिग्री आ गया, लेकिन 3 यहां बचा भी है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो मैं इसको पॉइंट में लिख दूं, नहीं लिखूंगा, तरीका यह है कि मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि जो भी आपका रिमाइंडर बचे है ना वो डिग्री तो बचा हुआ है, इसको 3 से मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो ये 180 मिनट आ जाएगा। भाई ये जो डिग्री है ना, डिग्री को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर में भी तो डिग्री बचेगा ना, तो आप क्या करेंगे इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। अब 11 को 11 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 11, अच्छा ये तो डिग्री पूरा हो गया, अब मिनट में आएगी वैल्यू, 11 बन जा 11 कितना बचेगा 7 70 कितना आएगा 11 6 का 66 4। वैसे तो इतने मिनट लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, लेकिन अभी रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ है, इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बचेगा 240 सेकेंड आ गया, बड़ी संख्या थी मल्टीप्लाई किया तो सेकेंड में आ गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो आप इसको 11 से डिवाइड करोगे तो 11 दूनी 22 2 0 11 एक कम 11 9। अब यहां छोड़ सकते हैं, पॉइंट पे ला सकते हैं 21 और 0 पॉइंट लिखेंगे 11 77 11 88 8 बार मिल जाएगा, तो इसको 22 लिख सकते हैं, तो 57 डिग्री 60 मिनट इसको 22 सेकंड लिखा, क्योंकि आप जानते हैं जब राउंड अप करेंगे ना वैल्यू 0.5 से बड़ी है इसलिए उसको 1 मान के ऐड कर दिया जाएगा। तो ये डिग्री मेजरमेंट का तरीका होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आपकी एक्सरसाइज की कि कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रेडियन को डिग्री में कैसे करेंगे, डिग्री को रेडियन कैसे करेंगे। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मैथ्स टफ नहीं है, बट यू हैव टू गिव सम टाइम टू द मैथमेटिक्स। ओके, नमस्कार।